इंटीग्रेशन एक्स साइन का इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स केयर इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय पार्ट मेथड के जरिए पहले हम इसे सिंपलीफाई करेंगे उसके बाद इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे अगर ये देखें ये वाला जो अंडरवुड वन माइनस एक्स केयर है अगर इसको ऊपर ले आएं इसका अंडर रूट का मतलब होता है वन बाई टू तो इसकी पावर नीचे वन बाई टू पॉजिटिव है ऊपर आएगा तो नेगेटिव का वन बाई टू हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा है साइन का इनवर्स ये वाला जो शुरू में एक्स था ना वो इसके बाद लिखा है यहाँ पे वन माइनस एक्स केयर की पावर माइनस वन बाई टू एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है माइनस टू से तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया माइनस टू से माइनस वन बाई टू शुरू में आया और इसके साथ मल्टीप्लाई भी हुआ ये मैं मतलब ये फंक्शन और आगे फंक्शन का डेरीवेटिव बन जाएगा इस माइनस का वन बाई टू साइन का इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स केयर माइनस वन बाई टू माइनस टू एक्स अब ये वाला एक फंक्शन बन रहा है मतलब एक फंक्शन है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव और ये वाला एक तो हम आ, इन दोनों को दो फंक्शन मानते हुए इतने को एक फंक्शन माना और इसको एक इन दोनों को दो फंक्शन मानते हुए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सोल्व करते हैं इसे क्योंकि इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है आई लाइट फार्मूले के मुताबिक अगर हम चेक करें तो तो इनवर्स फंक्शन पहले आता है और ये अल्जब्रिक फंक्शन है तो अल्जब्रिक बाद में आता है तो इनवर्स फंक्शन ये वाला फर्स्ट फंक्शन होगा फर्स्ट फंक्शन साइन का इनवर्स और सेकंड फंक्शन वन माइनस ये वाला सारा अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरी डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये इतना बड़ा क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने दो लाइनों में से कम्प्लीट किया है माइनस का वन बाई तो कॉमन ले लेंगे ना ये फर्स्ट फंक्शन साइन का इनवर्स इंटीग्रेशन वन माइनस की पावर माइनस वन और टू डेरिवेटिव साइन का इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन वन माइनस एक्सर के पावर माइनस वन बाई टू और माइनस टू एक्स डी एक्स ये देखें आगे इसे सोल्व करते हैं इस तरह अब इसका फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने में आसानी होगी ये वाला साइन का इनवर्स एक्स तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे हम सोल्व करते हैं नीचे ये देखें ये फंक्शन है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव जब पहले फंक्शन हो और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव तो हम फंक्शन की पावर में ऐड करते हैं और उसी पर डिवाइड भी करते हैं ये वाला फार्मूला यूज़ होगा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हुए तो क्योंकि हम जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो डेरीवेट इसके डेरीवेटिव को इग्नोर कर देते हैं माइनस का वन बाई टू माइनस का वन बाई टू इसकी पावर में प्लस वन किया तो माइनस वन बाई टू प्लस वन ये वाला मतलब अगर जब माइनस वन बाई टू प्लस वन किया था तो पॉजिटिव वन बाई टू आया वन माइनस एक्स केयर पॉजिटिव वन बाई टू ओवर वन बाई टू अब इसका डेरिवेटिव फाइंड किया डेरिवेटिव इसका इक्वल होता है वन ओवर अंडरवुड वन माइनस एक्स केयर के और इसका इंटीग्रेशन जो इसका आया था ना ये वही है मतलब हम फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पे डिवाइड करेंगे और डेरिवेटिव को इग्नोर कर देंगे इसका भी यही हाल है क्योंकि ये भी तो इंटीग्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं इस तरह करने के बाद आगे मजेद सिंप्लीफाई किया ये वाला वन बाई टू है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो टू बाई वन हो जाएगा तो टू साइन का इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स केयर की पावर वन बाई टू माइनस टू वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स केयर अब ये वाला टू जो है ना ये वन बाई टू है बाहर आके टू बाई वन बन गया मतलब कॉन्स्टेंट को वैसे भी तो हमने बाहर लिखना होता है तो यहाँ पे टू ओवर अंडर अंडर रूट रूट इसके साथ कैंसिल हो गया वन डी एक्स बचा बाकी तो टू साइन का इनवर्स ये वाला आ गया एज इट इज माइनस अब इसका इंटीग्रेशन वन जहाँ पे जिसकी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे होते हैं अगर यहाँ पे डी थीटा होता तो इसका इंटीग्रेशन होता थीटा यहाँ पे वन डी एक्स है मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये इक्वल है एक्स के तो टू इसके साथ मल्टीप्लाई है तो टू एक्स वन बाई टू को अंदर अप्लाई करते हैं वन बाई टू ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको कैंसिल कर देगा माइनस का साइन एक्स बाकी सारा बचेगा यहाँ पे वन माइनस एक्स केयर की पावर वन बाय टू प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और टू टू के साथ कैंसिल माइनस माइनस प्लस का एक्स प्लस सी अब प्लस का एक्स मैं पहले लिख देती हूँ एक्स माइनस साइन का इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स केयर की पावर वन बाई टू प्लस सी क्वेश्चन सोल्व हो गया थैंक यू